भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में संचार की सशक्त आधारभूत संरचना एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुमानित है कि आज भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 45 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की जियोफिजिकल तथा जलवायु विविधताओं को ध्यान में रखते हुए इस विशाल देश के हर हिस्से को ब्रॉडबैंड से जोड़ना आवश्यक हो गया है। आज के दौर में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो आवाज, डेटा और वीडियो का सम्मिश्रण होता है, यह बहुत सी संभावनाओं को जन्म देता है। इसके लिए यह उपग्रह एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। GSAT-11 spacecraft is an advanced communication satellite providing high throughput payloads in Ku gap bands. It is the largest and heaviest satellite ever built by ISRO. This satellite will meet most of the requirements of providing broadband connectivity to rural and inaccessible gram panchayats under BharatNet project, which is part of the Digital India program initiative of Government of India. आज भारत स्मार्ट गांवों और शहरों के विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। GSAT-11 जैसा शक्तिशाली संचार उपग्रह कार्यान्वित होने पर इस संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। GSAT-11, weighing about 5,854 kg, is a multi-spot beam satellite providing coverage of Indian mainland and nearby islands. GSAT-11 is the heaviest satellite built by ISRO with the largest solar panels and payload panels. This satellite is also configured with maximum communication antenna, 5 numbers, in INSAT GSAT family of satellites. यह लगभग 15 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। GSAT-11 घरेलू, व्यावसायिक और सरकारी संस्थानों की ब्रॉडबैंड, दूरसंचार और मल्टीमीडिया आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। साथ ही इन फ्लाइट कनेक्टिविटी जैसे नए अनुप्रयोगों को भी उपलब्ध कराएगा। यह भारत का पहला हाई थ्रूपुट उपग्रह है, जिसे इसरो की नई I-6 के बस पर विकसित किया गया है। GSAT-11 उपग्रह की बस बहुउपयोगी है, जिसके अलग अलग भाग जैसे मेन फ्रेम सिस्टम्स, पेलोड सिस्टम्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स उच्च स्तर की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तथा असेंबली और चेकआउट ऑपरेशंस को आसान बनाते हैं। यह बस 6 टन तक वजन वहन करने की क्षमता रखती है। साथ ही इसमें 20 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न करने और संभालने की क्षमता है। The payload has around 600 subsystems. Nearly 90% of the hardware has been realized in India with extensive participation of the industry. Most of the hardware is miniaturized using advanced MMIC technologies. For the first time, multi-port amplifier is used for power sharing across the beams under varying service demands. Multi-spot beam antenna coverage se lays GSAT-11 upagrah ko 74 degree purv mein sthapit kiya jayega. Yah Ku band mein 32 user spot beam utpann karega, jisme dono vertical aur horizontal polarization mein 16-16 बीम होंगे, जिससे भारतीय मुख्य भूभाग तथा द्वीपों में संचार सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा यह उपग्रह का बैंड में दोनों पोलराइजेशन में 4-4 अर्थात 8 हब बीम्स भी उत्पन्न करेगा। इसमें 4 ग्राउंड गेटवे यानी हब्स हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से उपग्रह को उपयोगकर्ताओं से जोड़ेगा। यह सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सभी हब स्टेशन को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से एक दूसरे से जोड़े जाएंगे। The satellite will provide a throughput of 16 gigabits per second through 32 narrow user beams for supporting high data rate services across the country. As the high throughput technology and use of Ka band is being introduced in the country for the first time through indigenous satellites, the associated ground hardware are being established by ISRO. The satellite has completed the launch campaign activities and is ready for launch on board Ariane 5 launch vehicle. GSAT-11 upagraha apni nirdharit kaksha mein sthapit hone ke liye tayyar hai.
इसे यूरोपियन एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा फ्रेंच गियाना स्थित कुरू से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह एरियन 5 से प्रारंभ के जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचेगा और फिर इसके प्रोपल्शन सिस्टम को क्रमिक चरणों में फायरिंग कर अंतिम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। जब यह विशालकाय परिंदा अंतरिक्ष में अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित होकर कार्यान्वित हो जाएगा, तब भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं एक वास्तविकता बन जाएगी। शहरी एवं ग्रामीण भारत के बीच जो डिजिटल दूरी है, उसे मिटाने में यह संचार उपग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।